ऐसी औरत जिसने 36 सैनिकों को, मतलब अंग्रेजों को, अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। युद्ध के दौरान उनके पास एक पूरी टीम भी थी जो कि ओनली वुमेन्स की थी। तो यार आज का इतना ही इंट्रो काफी है। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाली उदा देवी थी। या गाइस, बट इट्स वीडियो नॉट रिस्पॉन्सिबल बाय एनी कास्ट एंड एनी रिलीजन ऑल्सो। सो गाइस, इसे कृपया करके किसी धर्म और किसी भी मतलब जाति से इसको मत मैच करना, ओके? सो दिस वीडियो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बाय एनी कास्ट एंड एनी रिलीजन, ओके? सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। हम बात कर रहे हैं उदा देवी का, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ। 14 अप्रैल, अब इसकी ईयर कौन सी है, ईयर के बारे में ऑन गूगल, विकिपीडिया एंड वेरी इतनी रिसर्च करने के बाद भी इनका कहीं पता नहीं चला कि कब। बस ये डेट दे रखी है कि हाँ 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, बट डेट दे रखी है कि इनकी डेथ जो हुई थी वो किस दिन हुई थी, ओके? सो इनकी डेथ के बारे में भी बता रखा है, बट अब बात कर रहे हैं हम सिकंदर बाग लखनऊ की। सिकंदर बाग लखनऊ में क्या हुआ था, तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं इनकी इंट्रोडक्शन डिटेल की। सो इनका जो जन्म था वो 14 अप्रैल को हुआ, ठीक है? 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ, ठीक है? अकेले 36 सैनिकों को मार दिया, ठीक? अकेले 36 सैनिकों को मार दिया, ठीक है? ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन, ओके? सो अब बात करते हैं हम इनके बारे में, मतलब जितने भी एजिटेशंस हुए थे, एजिटेशंस किसे कहते हैं भाई? एजिटेशन, ये नीचे आप देख रहे हो, एजिटेशन इज इक्वल टू, एजिटेशन का मतलब है आंदोलन। कोई भी आंदोलन हो, जैसे नॉन कॉपरेशन आंदोलन हुआ था, जैसे मूवमेंट कहते थे, चिपको आंदोलन हुआ था, एंड मैनी मोर आंदोलन बहुत सारे हो चुके हैं पहले, मतलब 1947 से पहले, 1947 के बाद भी और अब भी होते आ रहे हैं, ठीक है? किसान आंदोलन भी, बहुत तरह के आंदोलन है, आंदोलन आप भी ले जा सकते हो, बट बिना किसी मकसद के मत जाना। कोई मकसद हो तभी आप आंदोलन लेके जा सकते हो, ओके? ठीक है, एजिटेशन, अकेले 36 सैनिकों को क्यों मारा इनके, पहले इनकी, अब करते हैं हम इनकी हिस्ट्री की बात। पहले चलते हैं हम 1990s के टाइम में चलते हैं, तो आपको जहाँ बैठना पड़ेगा टाइम मशीन में और ले चलते हैं आपको 90s, तो ठीक है आगे, ओके। अब बात करते हैं इनके हस्बैंड के बारे में। उदा देवी हस्बैंड वॉज अ सोल्जर, ओके? उदा देवी के जो हस्बैंड थे वो एक सोल्जर थे ब्रिटिश की तरफ से, ओके? जितने अंग्रेज थे ना उन्हीं की टीम में, ठीक? बट नवाब वाजिद शाह अली, उनका नाम था नवाब वाजिद शाह अली, उनके हस्बैंड थे, बट वो शेड्यूल कास्ट से पोस्ट करते थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि शेड्यूल कास्ट पोस्ट से, मतलब शेड्यूल कास्ट से ही बिलोंग करते थे, बट इनके हस्बैंड यार माउंटेन बॉय, ये भी भाई लॉजिकल बात है, पहले हो जाता था बट अब तो यार बहुत मुश्किल से होता है, कुछ कर लेते हैं, ठीक है? बट इनका जो प्रोसेस होता है वो कुछ अलग होता है, ठीक है? अब इनके जो हस्बैंड थे, इन्होंने एक खुद की टीम बनाई पहले, मतलब इन्होंने देखा कि अंग्रेज यार इतना गंदा कर रहे हैं हमारे साथ, तो अलग एक टीम बनाई जाए, ठीक है? तो लखनऊ के लोगों को शामिल कर करके एक टीम बनाई गई, क्योंकि लखनऊ के लोगों को भी बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। अब रोजगार इन्होंने दे दिया थे, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग तो करते थे, बट उदा देवी जो थी इनकी शादी से पहले ये बहुत ही गरीब फैमिली में बिलोंग करती थी, ठीक है? तो नवाब वाजिद शाह ने इनके लिए क्या किया, इनके लिए नृत्य, मतलब जो डांसिंग वगैरह होती थी ना, म्यूजिक एंड मैनी मोर, बट जिस रीजन से उनको शामिल किया गया था टीम के अंदर, वो उस काम को कर ही नहीं रहते, मतलब जिस टीम के लिए, उन मेंस को, जितने भी आदमी, ओनली आदमियों की टीम थी, ओके? ये ध्यान रखना, ओनली मेंस की टीम थी। जिस मकसद से उनको टीम में शामिल किया गया, उस मकसद का वर्क उन्होंने किया ही। अब उनको लालच आता गया कि हम ओनली डांसिंग और हम बस ईटिंग वीटिंग करेंगे और कुछ नहीं, हमें युद्ध बुद्ध से कोई मतलब नहीं। वो चाह रहे थे कि बस आप राज करो अपना, मस्ती से कुछ काम मत करो। लेकिन ये उदा देवी जी को बहुत बेकार लगी बात। उन्होंने फिर नवाब वाजिद शाह अली के साथ बातचीत करी और बोला कि जी ये टीम बेकार लगी मेरे को, तो हम वुमेन्स की टीम बनाते। अब नवाब वाजिद शाह अली ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम बना सकते हो, तुम्हारा मन है तो तुम बना सकते हो, ठीक, ओके? उन्होंने बात मान ली। अब उसके बाद आफ्टर दिस उदा देवी जो थी, उन्होंने वुमेन्स की टीम बना ली, वुमेन्स की टीम बनाई, ठीक। अब वुमेन्स की टीम बनाई, अब लखनऊ में बात कर रहे थे हम अभी, सिकंदर बाग की।
सिकंदर बाग की बात कर रहे थे अभी, ठीक, सिकंदर बाग की। सिकंदर बाग में जैसे युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया, एक बंदूक और कई सारे गोले ले, तोप के गोले, तोप के गोले थे, और वो इसलिए नहीं कि तोप में डाले और क्या है, ठीक है, वो वाले तोप के गोले तो थे बट मतलब उनका जो वेट था वो कम था कि वो साथ में सात आठ ले चले। उनको रखकर एक पेड़ पर चढ़ गई सिकंदर बाग के। अब जैसे ही अंग्रेज आने शुरू कर, अंग्रेजों ने आना शुरू कर, गिराती गई, एक भी पेड़ को पार नहीं कर पाया। ये तो हो गई इनकी साहसी की बात, मतलब इतनी ब्रेव थी, ठीक है, इनका साहस इतना ऊपर था, मतलब औरत होके भी उन्होंने पूरी टीम को संभाल लिया। बट आफ्टर दिस उनको लगा कि हाँ यार अब अंग्रेज खत्म हो गए, अभी अंदर कोई आ नहीं रहा, लेकिन उनकी एक चालाकी थी। उसके बाद जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरती है, ये पेड़ आपका इससे नीचे उतरती है, जैसे डिपार्चर करती है, उसके बाद अंग्रेज उनको गोली मार देते हैं, उसके बाद अंग्रेज उनको गोली मार देते हैं। और इनका इनकी जो डेथ थी वो हो गई थी 16 नवंबर 1857 को, इनकी जो डेथ थी वो 16 नवंबर 1857 को इनकी डेथ हो गई थी। बट इन्होंने जो एजिटेशंस में शामिल होकर इतना अच्छा कार्य किया था, इन्होंने 1857 में फर्स्ट इंडियन फ्रीडम संग्राम के दौरान इन्होंने युद्ध लड़ा था जिसमें भारतीय सोल्जर के साथ इन्होंने भाग लिया था, ओके। दादाजी ने पुरुष के वस्त्र धारण किए थे लेकिन युद्ध से पहले, ताकि उनमें पुरुषों मतलब जो भी लोग इनको देखे तो बोले कि यार ये आ गई तो वुमेन आ गई है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए इन्होंने पुरुषों वाले वस्त्र धारण कर लिए ताकि सभी लोग मेरे ऊपर ना टूट पड़े, दाएं दाएं गोले मारते कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हमारे ऊपर एक ही वुमेन सवार हो रही है, ठीक है। तो ये थी गाइज आज की स्टोरी, प्यारी सी स्टोरी। सो इससे आपको कुछ फैक्ट्स पता चले, फैक्ट्स नीचे आप डिस्क्रिप्शन में अगर कई सारी मैंने लिंक दे रखी है उस लिंक पर आप टैप करते हो तो वो लिंक ब्लोइंग इसलिए है कि आप बिल्कुल हिस्ट्री इंट्रोडक्शन एंड आउट्रो एक साथ देखते हैं। तो अब बात करते हैं आउट्रो की, आउट्रो में हम बात करते हैं तो मेरा आउट्रो यही रहेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड ब्रेवली ह्यूमन थी, ठीक है, एंड वूमेन भी थी। सो आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, अगली वीडियो जल्दी आपको मिल पाएगी। सो बट इससे पहले कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, इस वीडियो पे बड़े बढ़कर व्यू दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कमेंट सबसे मेन है, सब्सक्राइब या लाइक वो हो या ना हो, ठीक है, खैर कर देना, लेकिन सबसे मेन जो मैं मानता हूँ वो मेरे लिए कमेंट है, क्योंकि कमेंट इज वेरी मोटिवेट फॉर मी, क्योंकि एक एक कमेंट बहुत मोटिवेट करती है मेरे को। सो कमेंट करना मत भूलना प्लीज। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय गाइस।